क्लास नाइन्थ। साइंस चैप्टर सेकंड, बैक एक्सरसाइज। क्वेश्चन सेकंड तक हम पिछले क्लासेस में कर चुके। क्वेश्चन थ्री से आज स्टार्ट करेंगे। Pargya tested solubility of three different substances at different temperature and collect the data as given below. Results are given in the following table as grams of the substance dissolved in 100 gram of water to form saturated solution. Table देखते हैं, क्या table में कहते हैं? टेबल में देखना बेटा, सब्सटेंस डिसॉल्व, कौन कौन से सब्सटेंस यूज किए हैं? पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। टेम्परेचर केल्विन में, ये ऊपर टेम्परेचर दे रखे हैं 283 केल्विन, 293 केल्विन, 313 केल्विन, 333 केल्विन, 353 केल्विन। अब इनका मीनिंग समझना। ये 21 का मीनिंग है कि 21 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट 100 ग्राम वाटर को, किसको? 100 ग्राम वाटर को सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट करता है 283 टेम्परेचर पे। देखो ये क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट। सीधे आएंगे तो कहां पहुंचे? 21 पे। ऊपर कहां पहुंचे? 283 पे। यानी अगर टेम्परेचर 283 केल्विन है, उसमें 100 ग्राम वाटर में 21 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट मिलाएंगे तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ, 100 ग्राम डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम वाटर टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन। पोटेशियम नाइट्रेट कितना है? 21 ग्राम, टेम्परेचर 283 केल्विन। अब इसी तरह से अगर देखो, आगे टेम्परेचर को हमने बढ़ा दिया, हमने टेम्परेचर को 283 से बढ़ाया, 293 कर दिया, तो हमें भी मालूम, अगर हम वाटर को ज्यादा गर्म, थोड़ा गर्म करेंगे तो चीनी ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगी इसमें, तो पोटेशियम नाइट्रेट भी 21 ग्राम की बजाय अब 32 ग्राम की जरूरत पड़ी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए। फिर टेम्परेचर को और बढ़ा दिया हमने 293 से 313, तो हमें 62 ग्राम की जरूरत पड़ी। बिल्कुल बॉयल कर दिया 333, तो 106 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट कितने? 100 ग्राम वाटर में, एंड 353 पे 167 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट। 283 केल्विन पे सिर्फ 21 ग्राम सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट करता है, यानी 21 ग्राम के बाद डिसॉल्व होना बंद हो जाता है, लेकिन 353 पे 167 ग्राम की जरूरत पड़ती है सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए। इस तरह से ये अलग अलग एग्जांपल इन्होंने दे दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ, देखो इसमें सबसे पहले दिया पोटेशियम नाइट्रेट, यानी आपको सिर्फ पोटेशियम नाइट्रेट वाली लाइन ही देखनी है, बाकी तीनों की लाइन इसमें नहीं देखनी। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम वाटर, हमें ये जो सारा डाटा दे रखा है ये 100 ग्राम का दे रखा है। किसका दे रखा है? 100 ग्राम। इसने 50 ग्राम के लिए कहा है, तो अगर वाटर आधा हो जाएगा तो जो ये डाटा ये भी सारा आधा हो जाएगा। टेम्परेचर 313, तो 313 ये रहा, इसके नीचे पोटेशियम नाइट्रेट 62 की जरूरत है 100 ग्राम पे, तो अगर 50 ग्राम हो जाएगा तो ये भी इसका हाफ 61 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 31 ग्राम।
तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 31 ग्राम। कैसे? मैथमेटिकल कैलकुलेशन देख लो, 100 ग्राम के लिए जरूरत है 62 ग्राम की, तो 50 ग्राम के लिए 62/100 मल्टीप्लाई 50 यानी 31 ग्राम आंसर आपका आ गया। मैथमेटिकल यूनिटरी मेथड से किया है। सेकंड, प्रज्ञा मेघ से सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। अब किसकी बात आ गई क्वेश्चन में? पोटेशियम क्लोराइड की। तो अब सिर्फ तुम्हें पोटेशियम क्लोराइड यानी थर्ड वाली लाइन का डाटा देखना है, 35, 35, 40, 46, 54। 353 केल्विन पे मिलाना चाह रही है, यानी लास्ट में ये 54 डाटा मिल गया। पोटेशियम क्लोराइड से इधर आए और टेम्परेचर से नीचे आ गए, 54। लीव्स द सॉल्यूशन टू कूल एट रूम टेम्परेचर। बनाने के बाद वो उसे ठंडा कर देती है रूम टेम्परेचर तक। रूम टेम्परेचर लगभग कितना? 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। मान लो अगर रूम टेम्परेचर 25 है तो उसमें 273 ऐड करें तो कितना हो जाएगा? 273 और 25 तो 300, 298 अप्रोक्स, यानी आपका 293 रूम टेम्परेचर हम मान सकते हैं। रूम टेम्परेचर किसका मान, कितना मान सकते हैं हम? 293। तो अगर रूम टेम्परेचर पे ठंडा करेंगे तो कहता है क्या होगा, एक्सप्लेन करो। मैंने एग्जाम पढ़ाते हुए एग्जाम्पल बताया था, रसगुल्ले को फ्रीज में रख देते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर जो सोल्यूट पार्टिकल वो सरफेस पे आ जाते हैं। तो सेम इसी तरह से पोटेशियम क्लोराइड को जो 54 ग्राम उसमें डिजोल्व है, रूम टेम्परेचर पे से 35 ग्राम डिजोल्व रहेगा और 19 ग्राम उसके सरफेस पे आ जाएगा। आप ये वैल्यू ना भी लिखो, थ्योरी में लिख सकते हो सिर्फ। कैसे देखना? बी पार्ट, ऑन कूलिंग सैचुरेटेड सॉल्यूशन फ्रॉम 353 केल्विन टू रूम टेम्परेचर, सोल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम क्लोराइड विल डिक्रीज। सोल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, 54 है सोल्युबिलिटी, यहाँ ये 35 है, डिक्रीज होगी ना ड्यू टू कूलिंग। कॉन्सिक्वेंटली क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड विल बी ऑब्जर्व इन दिस सोल्यूशन। सोल्यूशन के अंदर पोटेशियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स बन जाएंगे और वो सरफेस पे आ जाएंगे। जैसे बिना डिजोल्व हुए शुगर चीनी के दाने पानी में रह जाते हैं, ऐसे ही रिक्रिस्टलाइजेशन दोबारा पोटेशियम क्लोराइड के क्रिस्टल बन जाएंगे। कितने के? जो बीच में डिफरेंस है उतने के। सी पार्ट देखो, फाइंड द सोल्युबिलिटी ऑफ ईच सोल्ट। 293 केल्विन पे सबकी सोल्युबिलिटी, 293 पे सबकी सोल्युबिलिटी, 32, 36, 35 और 37, यही आंसर है। सोल्युबिलिटी मतलब 100 ग्राम में कितना डिजोल्व हो सकता है, उसी को सोल्युबिलिटी कहती है। तो 32 ग्राम आंसर में देखो, आराम से ऐसे लिख सकते हो आप सोल्युबिलिटी 32 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर, ये सबकी सोल्युबिलिटी। जो ऊपर 36, 35, 37 ग्राम पर 100 ग्राम करके सोल्युबिलिटी दे दी है। फिर इसी क्वेश्चन में पूछता है सबसे ज्यादा सोल्युबिलिटी किसकी है, देखो सबसे ज्यादा 37 अमोनियम क्लोराइड की सोल्युबिलिटी सबसे ज्यादा है। किस टेम्परेचर पे? 293 पे। और डी पार्ट में ये पूछता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर ऑन सोल्युबिलिटी। टेम्परेचर बदलने से सोल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है? टेम्परेचर बदलने से सोल्युबिलिटी भी बदलती है, टेम्परेचर कम होने से सोल्युबिलिटी कम होती है और टेम्परेचर बढ़ने से सोल्युबिलिटी बढ़ जाती है। सोल्युबिलिटी सॉल्ट इंक्रीजेज इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। ये आप यहाँ देख आराम से देख सकते हो टेबल में। देखो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है, ये सोल्युबिलिटी जो ये जितना डिजोल्व होता है इसी को सोल्युबिलिटी कहते हैं, ये भी इंक्रीज हो रहा है सबका। टेम्परेचर कम हो रहा है तो सोल्युबिलिटी कम हो रही है। तो बहुत आराम से आप लिख सकते हो एज टेम्परेचर इंक्रीजेज सोल्युबिलिटी इंक्रीजेज एंड एज टेम्परेचर डिक्रीजेज सोल्युबिलिटी डिक्रीजेज। एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है।
पहला क्वेश्चन है आपके पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन, बुक में हम इसका एक्सप्लेनेशन मार्क करा चुके हैं। सॉल्यूशन विच इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व ना हो सके, सैचुरेटेड है। एग्जाम्पल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन विच मोर सॉल्ट कैन नॉट बी डिसॉल्व एट टेम्परेचर विल बी कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होता है, उससे ज्यादा सॉल्यूट उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डिसॉल्व नहीं हो सकता। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में ग्रेटर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के कंपैरिजन में होता है। प्योर सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंस हैज ऑल द कंस्टिट्यूटेड पार्टिकल ऑफ दैट सब्सटेंस ऑफ द सेम केमिकल नेचर। हमने बुक में किया था सेम केमिकल नेचर, केमिकली सेम होते हैं। प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बने हैं। एग्जाम्पल भी हमने किए थे सोडियम क्लोराइड, शुगर, ये सब प्योर सब्सटेंस हैं। कोलाइड्स हेटरोजीनियस मिक्सचर है, पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में है। स्मॉल साइज होने की वजह से कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आईज। कोलाइड्स जो है वो कैन स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट, लाइट को स्कैटर करते हैं, और इस फिनोमिना को टिंडाल इफेक्ट भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है व्हाट इज टिंडाल इफेक्ट। एग्जाम्पल है मिल्क, स्मोक, इंक, रबड़, फेस क्रीम, क्लाउड, मिस्ट, फोग एटसेट्रा। सस्पेंशन हेटरोजीनियस मिक्सचर है ये भी, सॉलिड्स जो है वो लिक्विड में डिस्पर्स हो सकते हैं। सॉल्यूट पार्टिकल सस्पेंडेड डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क। पार्टिकल का साइज लार्जर देन 100 नैनोमीटर, विजिबल बाय नेक्ड आईज। मडी रिवर वाटर, डस्ट पार्टिकल इन एयर आर द एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशंस। कह रहा आप क्लासिफाई करो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में। सोडा वाटर, सोडा वाटर होमोजीनियस, वुड हेट्रोजीनियस, एयर होमोजीनियस, सॉइल हेट्रोजीनियस, विनेगर, विनेगर सिरका होता है जो आपकी किचन में चाय वगैरह बनाने में, चाउमीन बनाने में काम आता है, तो होमोजीनियस। फिल्टर्ड टी, चाय को जब फिल्टर कर लिया तो होमोजीनियस, फिल्टर नहीं किया होता तो हेट्रोजीनियस। हाउ वुड यू कंफर्म दैट ए कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज ए प्योर सब्सटेंस। कोई कलरलेस लिक्विड है, कैसे पता लगाओगे कि प्योर वाटर है वो? प्योर वाटर की पहली पहचान यही है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। सबसे बेस्ट मेथड है उसे बॉइल करेंगे, अगर वो 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता तो हम कहेंगे इट इज ए प्योर वाटर। इवेपोरेट द गिवन कलर्ड लिक्विड कंप्लीटली, इफ नो रेजिड्यू इज लेफ्ट दैट इट इज गिवन कलरलेस लिक्विड इज प्योर वाटर। इवेपोरेशन से एग्जाम्पल बता रहा है, इवेपोरेट द सैंपल ऑफ लिक्विड, थोड़े से सैंपल को इवेपोरेट करा ले, तो ये भी एग्जाम्पल सही है। ये 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट वाला थर्मामीटर लगा के चेक कर सकते हो, 100 डिग्री से ऊपर वो टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए और 100 से नीचे भी नहीं रहना चाहिए, नहीं कि 90 पे ही है। इफ बॉइल, वी कैन बॉइल इट बाय ए शार्प रीडिंग विद हेल्प ऑफ थर्मामीटर। इफ बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस देन इट इज प्योर वॉटर, वी कैन चेक इट्स बॉइलिंग पॉइंट। Which of the following material fall in the category of pure substance? The pure substance, देखना बेटा। Following are the pure: ice, milk, iron, hydrochloric acid, calcium oxide and mercury. कौन से नहीं है? Brick, ईंट नहीं है, wood नहीं है, बाकी सब
आपके प्योर सब्सटेंस हैं। आइडेंटिफाई दी सॉल्यूशन अमंग दी फॉलोइंग मिक्सचर सॉल्यूशन। ये एयर भी प्योर सब्सटेंस नहीं है बेटा, एयर ब्रिक और वुड प्योर नहीं है। आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर। सॉल्यूशन कौन कौन से हैं इसमें? सॉल्यूशंस होमोजेनियस मिक्सचर है तो ये भी होमोजेनियस नहीं है। तो कौन कौन से सॉल्यूशंस हैं? सी वाटर, उसमें सॉल्ट डिसॉल्व्ड फॉर्म में, इसलिए होमोजेनियस है। एयर इज होमोजेनियस एंड सोडा वाटर, तीन होमोजीनियस है। कोयल एंड सोयल होमोजीनियस नहीं है। नेक्स्ट नाइन्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडाल इफेक्ट। जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो टिंडाल इफेक्ट शो करेंगे। सॉल्ट सॉल्यूशन शो नहीं करेगा। मिल्क टिंडाल इफेक्ट शो करेगा। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन नहीं करेगा। स्टार्च सॉल्यूशन टिंडाल इफेक्ट शो करेगा। स्टार्च सॉल्यूशन कैसे बनता है यह आप सर्च करना, फिर देखना स्टार्च सॉल्यूशन कैसे बनेगा। स्टार्च सॉल्यूशन टिंडाल इफेक्ट शो करेगा। टेंथ क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर। सोडियम एलिमेंट है, एक ही तरह के एटम से मिलकर बना है तो सोडियम के आगे एलिमेंट ई लिख लो। सॉयल इज ए मिक्सचर, सुगर सॉल्यूशन इज ए मिक्सचर, सिल्वर भी एक एलिमेंट है। तो एलिमेंट मिक्सचर, मिक्सचर एलिमेंट। कैल्शियम कार्बोनेट कंपाउंड है, टिन एलिमेंट है, सिलिकन एलिमेंट है, कोल कोल मिक्सचर है। एयर इज अ मिक्सचर, सोप इज अ मिक्सचर, मिथेन कंपाउंड है। मिथेन का फॉर्मूला CH4, कार्बन और हाइड्रोजन मिलके ये बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड है CO2, और ब्लड इज अ मिक्सचर। तो सोडियम एलिमेंट है, सिल्वर एलिमेंट है, टिन सिलिकन ये एलिमेंट है। कंपाउंड में आ जाता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, और बाकी मिक्सचर आपके। विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस। ग्रोथ ऑफ प्लांट, तो ग्रोथ ऑफ प्लांट, जब प्लांट ग्रो करता है तो केमिकल चेंज होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, यस। मिक्सिंग आयरन फिलिंग विद सैंड, नो। कुकिंग ऑफ फूड, यस। डाइजेशन ऑफ फूड, यस। फ्रीजिंग वाटर, नो। बर्निंग कैंडल, यस। देखो बर्निंग कैंडल, यस। मेल्टिंग ऑफ कैंडल, नो। यहाँ बर्निंग ऑफ कैंडल है, यस। क्लियर है?